वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन ज्योग्राफी ऑप्शन बाई आदित्य आजम इन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम जमोफ्लास यानी कि भू आकृति विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि अपरदन, अपक्षय यानी कि अनाच्छादन की बात हम कर रहे हैं, बहिर्जात बलों की बात कर रहे हैं। और इसमें हमने अपक्षय की क्रिया के बारे में मतलब अच्छे तरीके से पढ़ा, जाना क्या होती है अपक्षय की क्रिया। और उसके बाद जो आपका लास्ट वीडियो था उसमें हमने अपरदन के बारे में समझा, दोनों के बीच में बेसिक जो अंतर है उस अंतर को भी हमने समझा, और एक बेहतर आइडिया उसके बीच में लिया कि क्या क्या इनका मतलब होता है, इन टर्मोलॉजीज का मतलब क्या है, और विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं इन दोनों से संबंधित वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया अभी तक। आज का जो वीडियो होगा, अब आप पढ़ेंगे कुछ मॉडल, मॉडल मतलब कि कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे आप, जैसे कि डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत क्या है, फिर आगे आप पेंक इत्यादि पढ़ेंगे, उसके बाद आप देखते हैं आगे कुछ बढ़ते चलेंगे हम। तो कुछ अब सिद्धांतों की बात हम करेंगे, अपरदन के संदर्भ में कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। पिछले वाले वीडियो में ही मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन की बात की थी, मतलब कि कैसे अपरदन का चक्र कार्य करता है, अपरदन चक्र का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज की वीडियो में हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे कि डेविस का जो अपरदन सिद्धांत है, डेविस ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये क्या है सिद्धांत, किस बारे में कहता है, और इसे क्या के विभिन्न बिंदु हैं, और किन आधारों पर इसकी आलोचनाएं की जाती हैं, इन सारे ही मुद्दों को हम चर्चा करेंगे और इसको कवर करेंगे अपने लेक्चर में। डेविस का जो अपरदन सिद्धांत है थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा लंबा है, और ठीक है, हम एक दो वीडियो में कवर करेंगे इसको। मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक ही दो वीडियो में इसे कंप्लीट किया जाए, एक वीडियो में तो संभव नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वास्ट है ये। हाँ, दो वीडियो में हो सकता है हम कवर करके इसे खत्म करेंगे, उसके बाद हम पेंक पे जाएंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे उसके बाद। तो जहाँ तक अपरदन चक्र की बात है, आपको बता दिया गया इसके बारे में कि जब कोई भी मतलब स्थलखंड ऊंचा होता है, ठीक है, उठता है, तो अपरदन की क्रिया उसमें होनी शुरू हो जाती है। देखिए, असल में होता क्या है कि अगर कोई भूखंड उठ रहा है ऊपर, ठीक है, तो उस पे उठने के दौरान ही उसमें अपरदन की क्रिया शुरू हो जाती है। और जब होता ऐसा है कि अपरदन होते होते मतलब कि बिल्कुल एक प्लेन, एक समतल की स्थिति आ जाती है, तो फिर उसे कहते हैं कि अपरदन चक्र समाप्त हो गया। मतलब कि आधार तल को अगर वो प्राप्त कर लेता है तो उसे हम कहेंगे कि अपरदन चक्र समाप्त हो गया। तो जो विभिन्न आपके दूत हैं आपके अपरदन के, उनके द्वारा जब आधार तल को प्राप्त कर लिया जाता है तो फिर वो कहलाता है वहाँ पे कि अपरदन चक्र पूरा हो गया, तो उसे हम एक अपरदन चक्र कहते हैं। फिर दूसरा अपरदन चक्र, इसकी भी मतलब संकल्पना हमारे सामने आती है, तो उसमें फिर यही बात है कि फिर से उसमें उत्थान हो या फिर अवतरण हो, तो फिर से उसमें आधार तल जो पाने की कोशिश है वो फिर शुरू हो जाए, और उसके बाद फिर जब वो अपना आधार तल प्राप्त करे तो फिर अपरदन चक्र कंप्लीट हो, तो वो द्वितीय प्रकार का अपरदन चक्र हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है इसमें। तो आइए समझते हैं डेविस का सामान्य अपरदन चक्र सिद्धांत क्या है, इसे समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इसे। बात करें अगर डेविस महोदय की, तो डेविस ने अपरदन चक्र संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन प्रवाही जल यानी कि नदी के संदर्भ में किया है। मैंने आपसे बताया कि जो अपरदन के विभिन्न कारक हैं उनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उनका जो है अपरदन का कार्य चलता है, और वे अपरदन करते हैं और अपने आधार तल को अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं, अलग अलग माध्यम से प्राप्त करते हैं। जो डेविस साहब थे, इन्होंने जो अपरदन का चक्र का सिद्धांत दिया, इन्होंने इसमें अपने सिद्धांत में जो प्रवाही जल मतलब जो नदी, इस नदी को संदर्भ में लिया है, ठीक है, नदी के माध्यम से कैसे अपरदन होता है, प्रवाही जल के माध्यम से कैसे अपरदन होता है, उसमें आधार तल इत्यादि को प्राप्त करने की बात, ये सारी संकल्पनाएं इनके सिद्धांत में हमें नजर आएंगी। आइए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी समझ डेविस के सामान्य अपरदन सिद्धांत पे और बेहतर होती चली जाएगी। तो डेविस ने अपरदन चक्र संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन प्रवाही जल या नदी के संदर्भ में किया। आर्द्र प्रदेशों में प्रवाहित जल को अपरदन का प्रमुख दूत मानते हुए अपरदन चक्र की प्रक्रिया को समझाया। इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हमने अपरदन की बात की, उसमें मैंने आपको बताया कि जो विभिन्न तरह के विशिष्ट जलवायु वाले क्षेत्र हैं उसमें किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अपरदन के दूत कार्य करते हैं। अब मैंने आपसे बताया कि आर्द्र प्रदेश जो होते हैं वहाँ पे जो प्रवाहित जल होता है, नदी जल होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे वर्षा इत्यादि की मात्रा अधिक होती है। जब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है जल का प्रवाह होगा ही होगा, और जब ऐसा होगा तो ये जो प्रवाहित जल होगा ये अपरदन में मुख्य भूमिका निभाएगा, ठीक है। आइए बात करें अगर, तो इसके अनुसार मतलब कि ये जो इनका सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार नदियाँ समुद्र तल के संदर्भ में अपरदन का कार्य करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं, नदियों का अपरदन करने के बाद जो उनका आधार तल होता है वो क्या होता है? वो होता है समुद्र तल। इसके बारे में भी आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है।
और जैसे ही अपरदन की प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण प्रदेश अपर्दित होकर लगभग समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है, एक अपर्दन चक्र समाप्त हो जाता है। ठीक है, बस वही इनडायरेक्टली अगर देखें या डायरेक्टली देखें तो आपका जो अपर्दन चक्र है उसकी परिभाषा यहाँ बताई गई है कि जब अपर्दन होने के बाद होते 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 अपर्दन के बाद क्या हो जाता है कि पूरा अपर्दन होते होते एक समतल प्राय मैदान में जब आपका क्षेत्र विशेष परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम कहते हैं भाई एक अपर्दन चक्र समाप्त हो गया है। ठीक है, और नदियों के माध्यम से जब इस प्रकार से अपर्दन होने के बाद एक समतल प्राय मैदान परिवर्तित मतलब बन जाता है तो वो जो स्थलाकृति बनती है मतलब समतल प्राय मैदान जो बनता है आपके सामने उसे हम कहते हैं समप्राय मैदान या फिर पेनी प्लेन। ठीक है, तो पेनी प्लेन का भी आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल गया है तो इसे आप नोट कर लेंगे। पेनी प्लेन इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जा सकता है क्या होता है पेनी प्लेन। तो जब क्या होता है कि नदियाँ लगातार मार्गी अपर्दित कर रही हैं किसी उत्थित भूखंड को, कुछ उठे हुए मतलब कि उबड़ खाबड़, ठीक है, इन इस प्रकार के भूखंड को अगर लगातार नदियाँ अपर्दित कर रही हैं और अपर्दित करते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब थोड़ा समतल की स्थिति आ जाएगी, अब उतना ज़्यादा उच्चावच रह नहीं जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो फिर अब जब ऐसी स्थिति आएगी कि अब बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, एक समतल की स्थिति आ जाएगी, तो फिर एक मैदान की संज्ञा ऐसे दी जाती है, संप्राय मैदान की संज्ञा दी जाती है जिसे हम पेनी प्लेन कहते हैं। और ये आपका जो संकल्पना है इसकी, ये आपको डेविस साहब ने प्रदान किया है, ठीक है, बताया है। तो अंतिम स्थलाकृति के रूप में संप्राय मैदान या फिर पेनी प्लेन का निर्माण होता है। अच्छा, इसी संबंधित हम एक और डेफिनेशन यहीं पर क्लियर कर लेते हैं, अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ कठोर चट्टानी टीला अवशेष के रूप में रह जाता है जिसे मोनाड नाक कहते हैं, मोनाड नॉक्स। यह अवस्था नदियों द्वारा अपने आधार तल समुद्र तल की प्राप्ति के साथ घटित होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका उच्चावच है, ठीक है, ध्यान से देखें, ये उच्चावच है। अब ये पहली स्थिति है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है। अब मैं आपसे कहता हूँ सेकंड स्टेज पे आप देखें, थोड़ा ध्यान दें, गौर करें। अब मान लीजिए अपर्दन लगातार इस पे हो रहा है, ठीक है, लगातार इस पे अपर्दन क्रिया हो रही है। स्थिति बाद में ऐसी हो जाती है कि अब ये बिल्कुल अब प्लेन हो गया, जो उच्चावच था वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन बीच बीच में कुछ टीले रह गए हैं। ठीक है, अब बीच में कुछ टीले रह गए हैं। अब ये टीले क्या हैं, ये कठोर चट्टानें हैं जिनका अपर्दन जो है नदियां कर नहीं पाई हैं, इसलिए ये क्या हो गए, ये समतल मैदान में भी जो है टीले की भांति खड़े रह गए, बचे रह गए। तो जो ये समतल मैदान में टीले की भांति बचे रह गए, खड़े रह गए, इन्हें ही हम कहते हैं मोनाड नाक कहते हैं। और जो बाकी आपका ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, समतल प्राय मैदान यानी कि पेनी प्लेन। ओके, तो आई होप यहाँ पे चीज़ें क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर से बात ब्रीफ करते हैं। मान लीजिए कि उच्चावच है, लगातार उसका अपर्दन हो रहा है। अपर्दन होने के बाद जब अंतिम अवस्था पहुँचती तो होता ये है कि कुछ कुछ जगहों पे जो है एक टीले नुमा कठोर संरचनाएं जो खड़ी रह जाती हैं, मतलब उनका अपर्दन नहीं हो पाता है, तो उन्हें मोनाड नाक कह देते हैं। अब बाकी जो समतल आपका मैदान रहता है उसे हम कहते हैं समप्राय मैदान यानी कि पेनी प्लेन। ओके, चलिए मूव करते हैं। अब यहीं पर आप दुग्धीय अपर्दन चक्र की भी बात देख लीजिए, क्या मतलब होता है इसका, रिलेट करके समझेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तृतीय अपर्दन चक्र तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक उस क्षेत्र की संरचना एवं आधार तल में परिवर्तन ना हो जाए। तात्पर्य इसका, अगर मान लीजिए एक अपर्दन चक्र हुआ, अब अपर्दन चक्र होने के बाद क्या होगा, संप्राय मैदान आपको मिल जाएगा, और संप्राय मैदान मिल जाएगा और जगह जगह मोनाड नाक आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ये दर्शाता है कि अब जो वो नदी विशेष है वो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, अब उससे ज़्यादा अपर्दन वो नहीं करेगी। तो अब जब उससे ज़्यादा अपर्दन नहीं करेगी तो द्वितीय अपर्दन चक्र की मतलब यहाँ पे संकल्पना हम कैसे लेकर आएंगे, हम नहीं लेके आ पाएंगे। तो हमें उस चीज़ का वेट करना होगा कि जो संरचना, जो संप्राय मैदान बन गया है, जो ये मोनाड नॉक, ये जो आकृति बन चुकी है पहले अपर्दन चक्र के दौरान, अब इस आकृति में कुछ परिवर्तन हो। ठीक है, मतलब इसी संरचना में कुछ परिवर्तन हो, आधार तल में परिवर्तन हो। ठीक है, ऐसा हो जाए कि ये ऊंचा हो जाए आधार तल से, समुद्र तल से ये ऊंचा हो जाए, तब तो इसमें अपर्दन शुरू हो जाएगा, या फिर इसमें वलन इत्यादि की क्रिया हो जाए, भ्रंशन इत्यादि की क्रिया हो जाए, जिससे क्या होगा कि इसका आधार तल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब इसकी इसका उच्चावच बदल जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसे फिर से अपर्दन की क्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कि पहला अपर्दन चक्र कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपको इस प्रकार की आकृति जो मैंने सामने अभी बताई है, इस प्रकार की आकृति आपको दिखेगी, संप्राय मैदान दिखेगा, अब बीच बीच में मोनाड नॉक दिखेगा। लेकिन अगर फिर से आपको चाहिए द्वितीय अपर्दन चक्र आप कराना चाहते हैं, तो उसके लिए इस संरचना में तो दूसरा अपर्दन नहीं हो पाएगा। इसके लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि इस संरचना में कुछ बदलाव हो, मतलब कि संरचना में कुछ अंतर आए, आधार तल जो है वो आप देखें तो मतलब आधार तल क्या हो जाए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अभी आधार तल ये पकड़ लिया है तो अभी आधार तल ऊपर उठ के यहाँ तक पहुँच जाए,
ठीक है, नहीं थोड़ा सा और नीचे पहुंच जाए, और नीचे पहुंच जाएगा तो फिर और इसमें अपरदन की क्रिया होगी, तब जाके फिर ये अपरदन का द्वितीय चक्र शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि उच्चावच बढ़ना चाहिए, तो वलन की क्रिया हो जाएगी तो क्या होगा कि उच्चावच विषमता बढ़ जाएगी, और जब ऐसा होगा तो फिर लगातार फिर कटान मतलब कि अपरदन की क्रिया शुरू हो जाएगी, और जब अपरदन की क्रिया शुरू होगी फिर से वही स्थिति आएगी, बाद में अपरदन करते 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 संप्राय मैदान की स्थिति आ जाएगी, मुरार नाग इत्यादि की उपस्थिति मिलेगी हमें, तब जाके फिर हम कहेंगे जब ऐसी स्थिति आएगी कि द्वितीय अपरदन चक्र समाप्त हुआ। तो पहले अपरदन चक्र के बाद द्वितीय अपरदन चक्र कब आएगा, जब जो पहले अपरदन चक्र के बाद जो हमें असलाकृति मिली है उसमें परिवर्तन हो, उसमें आधार तल में परिवर्तन हो, ठीक है, उसमें उच्चावच विषमताएं उत्पन्न हो, तब जाके द्वितीय अपरदन चक्र शुरू होगा, और जब वो पहले अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था को प्राप्त करेगा तो हम कहेंगे द्वितीय अपरदन चक्र समाप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति हमें दिखाई देगी। तो द्वितीय अपरदन चक्र की बात करें तो तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक उस क्षेत्र की संरचना एवं आधार तल में परिवर्तन न हो जाए। यदि अपरदन चक्र की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती तब एक अपरदन चक्र पूर्ण हो जाता है, सतह की समस्त उच्चावच विषमताएं समाप्त हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती अपरदन चक्र के दौरान तो फिर अपरदन चक्र पूरा हो जाता है और जो उच्चावच विषमताएं वो भी समाप्त हो जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल प्लेन हो गया बीच बीच में, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन हो गया है, लेकिन अभी ये मोनाड नॉक बचा रहेगा क्योंकि कठोर चट्टान है, तो इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई देती है, लेकिन बाकी पूरा प्लेन हो गया ऐसा कि नहीं, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि समस्त जो उच्चावच है वो समाप्त हो गए हैं इन मोनाड नॉक इत्यादि को छोड़ करके। तो ये हमने कुछ समझा, संप्राय मैदान क्या होते हैं, पेनी प्लेन क्या होते हैं, इसे आप रिवाइज कर लीजिएगा, ध्यान से दिमाग में बैठा लेंगे आप, रिलेट करके रखेंगे दोनों चीज़ों को, संप्राय मैदान मुरार नाक को, द्वितीय अपरदन चक्र को, तो आपको चीज़ों समझने में ज़्यादा आसानी होगी और बेहतर तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगी। ठीक है, आइए मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डेविस के अनुसार अपरदन की क्रिया के लिए उत्थान आवश्यक है। ठीक है, डेविस साहब कहते हैं कि अगर उत्थान नहीं तो अपरदन नहीं, सही बात कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि उत्थान से ही ढाल की प्राप्ति होती है। ठीक है, उत्थान होगा तभी तो ढाल बनेगा, जिसके सहारे प्रवाही जल का विकास होता है, लेकिन उत्थान की संपत्ति माफ करिएगा थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई, संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक संपत्ति नहीं लिखा हुआ है, बल्कि आप यहाँ पे करेंगे समाप्ति। ठीक है, ये समाप्ति है, संपत्ति नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। लेकिन उत्थान की समाप्ति के बाद ही अपरदन के कारक सक्रिय होते हैं। देखिए इस लाइन को थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से ध्यान देंगे, क्यों मैं कह रहा हूँ सब, क्योंकि एक ऐसी लाइन है जिसके आधार पर आप आगे डेविस साहब की आलोचना करेंगे। तो कहा जा रहा है इसमें कि उत्थान, लेकिन फिर से एक बार स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे, कहते हैं कि उत्थान से ढाल की प्राप्ति होती है, मतलब अपरदन के लिए उत्थान जरूरी है, और जब उत्थान होगा तो ढाल मिलेगा, और जब ढाल मिलेगा तो ढाल के सहारे जो सतही जल है, जो प्रवाही जल है, वो जल क्या होगा, प्रवाहित होगा। लेकिन इनके स्टेटमेंट में एक थोड़ा सा देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये कहते हैं कि लेकिन जो उत्थान है, ठीक है, उत्थान जब समाप्त हो जाएगा, मतलब कि उत्थान की समाप्ति के बाद, तब ही अपरदन के कारक सक्रिय होते हैं। ये कहते हैं कि उत्थान की समाप्ति के बाद ही अपरदन के कारक सक्रिय होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए उच्चावच अभी उत्थान हो रहा है, ठीक है, अभी हो रहा है, अभी अपरदन कारक इसमें सक्रिय बिल्कुल नहीं है, ना इसमें नदियाँ अपरदित करेंगी, ना कोई वायु कुछ भी अपरदित नहीं करेंगे, फिर लगातार उत्थान होते गया होते गया होते गया होते गया, ठीक है, अभी उत्थान हो रहा है, अब मान लीजिए उत्थान होते 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 फिर क्या होगा, अब जाकर उत्थान खत्म हुआ, अब उत्थान नहीं हो रहा है इसमें, अब इस संरचना विशेष में उत्थान की क्रिया बंद हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में डेविस साहब कहते हैं कि जब उत्थान की क्रिया समाप्त हो जाती है तो उसके बाद अपरदन की क्रिया शुरू होती है। ठीक है, ध्यान से, डेविस साहब का कहना यह है कि जब उत्थान की क्रिया समाप्त हो जाती है किसी भी संरचना में, उसके बाद ही अपरदन के कार्य जो होते हैं सक्रिय होते हैं उस संरचना विशेष पर। तो अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भाई कुछ गलत है इनके स्टेटमेंट में, वो आगे हम आलोचनाओं के बिंदु में ले लेंगे इनको फिर। ठीक है, इसलिए देखिए आप जब कोई भी टॉपिक पढ़ें तो बहुत ही ध्यान से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें, क्योंकि उसमें होता क्या है कि अगर आप ध्यान से चीज़ों पढ़ते हैं तो आपका जो पिछला ज्ञान है, जो आपको अभी तक आपका जो मैंने बेस बनाया है, मजबूत बेस तैयार किया है, उस बेस के आधार पर आप खुद ब खुद अगर कहीं कमी किसी के सिद्धांत में, तो आप खुद ब खुद उसे पॉइंट आउट कर देंगे बिना आपके बताए हुए, मतलब बिना आपको बताए हुए, मतलब मैं आपको आगे बताऊँ ना उसके बारे में पहले, लेकिन उससे पहले ही आप उस स्थिति में होंगे कि आप उसको पॉइंट आउट कर देंगे कि देखिए ये कमी है इनके सिद्धांत में, और आगे इस कमी को हम आलोचनाओं में दर्शाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरा हमेशा जोर रहता है, और ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप, चाहे ऑप्शनल के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं। ठीक है,
आपको फैक्ट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल फैक्ट हटा नहीं रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। फैक्ट अगर पढ़ना तो कई ऐसे चैनल जहाँ पे आप जा सकते हैं आसानी से, तो फैक्ट की बात यहाँ पे नहीं करेंगे हम करेंगे कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, ठीक है। हमें दोनों चाहिए, और सबसे ज़रूरी क्या हमारे लिए, कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो फिर एग्ज़ाम क्लियर होना बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आप कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर रखें, जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनको बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में रखें, रिवाइज करें, रिविजन करें। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर देवी साहब कहते हैं कि भाई उत्थान हो जाएगा उसके बाद ही जा करके फिर अपरदंगिक कारक जो है सक्रिय होंगे, तो ये बात हमने इनकी नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बात ये कहते हैं। अब दूसरी बात ये क्या कहते हैं, दूसरी बात ये कहते हैं कि जो उत्थान की अवधि होती है, उत्थान की अवधि जो होती है वो होती है छोटी, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक उत्थान नहीं होता है। किसी भी संरचना में बहुत ज़्यादा समय तक उत्थान नहीं होता। कैसे ये करें, ये करें, ये करें ऐसे, देखिए हो गया उत्थान, ठीक है, तुरंत तुरंत उत्थान हो गया। फिर कहते हैं केवल अपरदन की अवधि लंबी होती है और आधार तल प्राप्ति तक घटित होती है। फिर कह रहे हैं अब इसमें अपरदन हो रहा है, अब बहुत धीरे 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 अपरदन हो रहा है, ठीक है। अपरदन होते 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 आधार तल को प्राप्त कर रहा है। उत्थान मैंने बताया तुरंत कर दिया, तुरंत हमने उत्थान को ड्रा किया कि उत्थान बहुत जल्दी हो गया इनके अनुसार, डेविस साहब के अनुसार। और फिर ये कहते हैं कि अपरदन की क्रिया बहुत लंबी होती है, बहुत लंबे समय तक होती है, और वो तब तक घटित होती रहती जब तक कि वह संरचना विशेष आधार तल को प्राप्त ना कर ले, ठीक है। उस संरचना में जो आपका मतलब नदी इत्यादि प्रवाहित, जो प्रवाही जल है वो जो प्रवाहित हो रहा है, जब तक वो आधार तल को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक आपका वहाँ पे अपरदन का कार्य जो है चलता रहेगा, ठीक है। तो दो बातें डेविस साहब की जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, डेविस साहब ने कहा उत्थान की समाप्ति के बाद ही अपरदन के कारक सक्रिय होते हैं, और दूसरी बात इन्होंने कहा कि उत्थान की अवधि छोटी होती है लेकिन अपरदन की अवधि लंबी होती है और तब तक चलती है जब तक कि आधार तल की प्राप्ति न हो जाए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन मान्यताओं एवं अवधारणाओं के आधार पर डेविस ने प्रतिपादित किया, क्या प्रतिपादित किया, इनकी एक लाइन आप ध्यान रखेंगे। अगर डेविस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये लाइन, और जो ऊपर मैंने आपको दो लाइन बताई ये लाइन आपके क्वेश्चन अपने आपके आंसर में होना ही होना चाहिए। अगर ये दो तीन बातें आपके आंसर में नहीं है तो मतलब आपका आंसर इनकम्प्लीट है, ठीक है। ध्यान से इसे दिमाग में बैठाएं। कहते हैं ये कि स्थल रूप जो है वो संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। जो आपका स्थल रूप, जो आपको स्थल रूप दिखाई देते हैं, जो आपके विभिन्न उच्चावच दिखाई देते हैं आपके भूपटल पर, वो क्या है, वे संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। अभी इसको हम ज़्यादा एलोबोरेट करेंगे, क्या मतलब इसका है। लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम, ठीक है। तो लैंडस्केप जो है, जो लैंडस्केप है वो एक फंक्शन है किसका, स्ट्रक्चर का है, प्रोसेस और टाइम का है। तो इसको आप समझते हैं क्या है ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से। संरचना प्रक्रम और अवस्था को डेविस का ट्रियो ऑफ डेविस कहते हैं। तो जो आपका संरचना है, जो आपका प्रक्रम है, जो आपकी अवस्था है, उसे हम डेविस का त्रिटक कहते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे आप, ट्रियो ऑफ डेविस कहते हैं, त्रिटक कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब भाई इनका मतलब समझते हैं, क्या मतलब है इन तीनों जो शब्द हमारे सामने दे दिए गए हैं डेविस साहब के माध्यम से, उनका मतलब क्या है। संरचना का अर्थ शैलों की भूगर्भिक संरचना, मतलब जो शैल है उनकी संरचना किस प्रकार से बनी है, वलन हुआ, भ्रंशन की क्रिया, संधि की स्थिति है, या संरचना है, या फिर खनिज संरचना है, पारगम्यता है इत्यादि नहीं, मतलब संरचना किस प्रकार की है, सीधे सी बात, संरचना किस प्रकार की है, भ्रंशन की क्रिया वहाँ हुई है, ठीक है, संधि इत्यादि है, या फिर संरचना है चट्टान इत्यादि में, शैल में, ठीक है, खनिज इत्यादि मिलते हैं, पारगम्यता है, वलन क्रिया से उत्पन्न हुए हैं, ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। दूसरा बात, प्रक्रम का मतलब यहाँ पे क्या है कि विभिन्न प्रकार से जो निर्माणकारी प्रक्रम है उसके द्वारा हुआ है, निर्माण उसका संरचना का, या फिर विनाशकारी प्रक्रम से हुआ है, ठीक है। ये भी बात है, बिल्कुल क्लियर है आपको, सभी चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं, इसका मतलब क्या है, निर्माणकारी बल क्या होते हैं, विनाशकारी बल क्या होते हैं, सब बताया जा चुका है। अवस्था विकास क्रम की विशिष्ट स्थिति का द्योतक है। अवस्था, अवस्था में ये बताया जाता है कि भाई अभी कौन सा विकास का स्टेज चल रहा है, अब आगे कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, जैसे कि होता है ना कि जो मनुष्य, आप मनुष्य को अगर देखें तो पहले क्या होता है आपका, पहले आप देखेंगे मतलब बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था ऐसे करके, ठीक है, फिर आप देखेंगे वृद्धावस्था आती है, अधेड़ावस्था, वृद्धावस्था, इस तरह से विभिन्न आप देखेंगे स्टेज होते हैं लाइफ के, ठीक। उसी प्रकार से जो आपकी संरचनाएँ होती हैं, जब इनमें अपरदन का कार्य होता है तो इनमें भी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, एक क्रम से इनका भी विकास होता है। वो क्रम क्या है उसको हम जानेंगे, उसको हम समझेंगे, ठीक है।
आइए मूव करते हैं। अपरदन की प्रक्रिया में आधार तल प्राप्ति के क्रम में विभिन्न स्थलाकृति स्थल रूपों का विकास होता है। जब ऐसा होता है कि लगातार अपरदन की क्रिया हो रही है तो जाहिर सी बात है आधार तल की प्राप्ति में जब आपका नदी जल प्रवाही जल होगा तो उस दौरान विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे अभी आपने मुनार नाक का एक एग्जाम्पल देखा, कई तरह के स्थलाकृतियाँ से बनेंगी जो क्षेत्र विशेष की संरचना उत्थान एवं अपरदन की प्रक्रिया तथा अपरदन चक्र की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र विशेष की संरचना कैसी है, कहीं कहीं कठोर चट्टाने हैं तो आपको ढेर सारे मतलब बीच इसमें उठे हुए भाग मिल जाएंगे, उत्थान कहीं ज़्यादा है तो उस हिसाब से भी देखेंगे आप, जब कटान अपरदन की क्रिया हो गई तो कहीं कहीं ऊँचा हुआ, बीच में खाली भाग, बीच में नीचा भाग, मतलब कई प्रकार की आपको वहाँ पर स्थलाकृतियाँ मिलती हैं। और चक्र की अवस्थाओं पर निर्भर करता है कि अपरदन चक्र वहाँ पे पूरा हुआ या फिर नहीं हुआ या फिर उसके बाद दूसरा अपरदन चक्र चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ हमें दिखाई देती है। तो अगर मोटे तौर में हम इस लाइन को समझें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब अपरदन की प्रक्रिया होती है तो जब आधार तल को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो उस दौरान जो है उस क्षेत्र विशेष में क्या होता है, विशेष प्रकार की समस्याएँ इत्यादि जो होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर निर्भर करता है जो आपकी वहाँ की स्थलाकृतियाँ होती हैं, जो वहाँ पे स्थलाकृतियों का जो विकास होता है वो उनकी संरचना इत्यादि पर निर्भर करती है। मान लीजिए कि पर्वत है, कठोर चट्टान है तो फिर उस प्रकार से वहाँ पे स्थलाकृतियों का विकास विकास होगा भिन्न रूप में होगा, कहीं मैदान ज़्यादा, कहीं पठार है, ठीक है, कहीं वहाँ पे झील इत्यादि है, कहीं गहरा गर्त ही है, तो इस प्रकार से उसके स्थलाकृतियों के ऊपर वो निर्भर करेगा, जो विशेष संरचना इत्यादि हैं उनकी प्रक्रिया के ऊपर निर्भर करेगा कि यहाँ पे स्थलाकृतियाँ जो है कैसी हमें मिलेंगी, कैसे उनका विकास होगा। बात करने आगे तो चट्टानों की भौतिक संरचना ऊंचाई, ढाल तथा रासायनिक संरचना जिसमें चट्टानों की कठोरता निर्धारित करती है। जो चट्टानों की भौतिक संरचना है उसमें ऊंचाई, ढाल, रासायनिक संरचना और ये क्या चट्टानों की कठोरता इत्यादि को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। और विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो शैली होती है, मतलब की जो चट्टान होती हैं उनकी संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। और जब संरचनाओं की अलग अलग होती है तो उन पर जो अपरदन का प्रभाव होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कुछ संरचनाएं ऐसी जो कठोर हो जाती हैं तो उन पर अपरदन का प्रभाव अलग होगा, कुछ संरचना ऐसी जो मुलायम हो जाती है तो अपरदन का प्रभाव उन पर अलग तरीके से होता है, बस यही फर्क है। इसी प्रकार अपरदन की प्रक्रिया और स्थल रूपों को अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल से संबंधित क्रियाएं भी प्रभावित करती हैं। जाहिर सी बात है कि अंतर्जात बल और जो बहिर्जात बल है इन दोनों की सम्मिलित प्रक्रियाओं से आप देखते हैं कि स्थल मतलब कि भूपटल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो अपरदन के कारक को जाहिर सी बात है ये स्थलाकृतियाँ ये दोनों बल जो है प्रभावित करेंगी करेंगी। ठीक है, इसमें कोई भी सब समझने वाली बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को और हम देखते हैं। आंतरिक शक्तियों के कारण ही उत्थान होता है जिसके कारण ढाल के सहारे अपरदन के कारक जैसे नदियां विकसित होती हैं। कहा गया कि आंतरिक शक्तियां मतलब वही अंतर्जात बल, इनके कारण क्या होता है, जबकि जो आपका भूपटल है उसमें उत्थान होता है और जब उत्थान होता है तो फिर उसमें ढाल का निर्माण होता है और जब ढाल का निर्माण होता है तो फिर उसी ढाल के सहारे जो अपरदन के कारक मतलब जो नदियाँ होती हैं वो क्या विकसित होने लगती हैं और फिर लगातार अपरदन का कार्य करने लगती हैं। डेविस ने अपरदन चक्र की प्रक्रिया में संरचना एवं प्रक्रम को भी महत्व दिया है, लेकिन डेविस का सिद्धांत मुख्यतः अवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डेविस साहब ने संरचना और प्रक्रम को महत्व नहीं दिया कि हाँ जो संरचनाएँ हैं ठीक है किन कैसे उनकी संरचनाओं का निर्माण हो रहा है और विभिन्न जो अवस्था मतलब प्रक्रम उनका क्या क्रिया है किन क्रिया के माध्यम से निर्माण हो रहा है, इन सब चीज़ों को ही केवल मतलब ध्यान नहीं दिया, बल्कि आप देखेंगे कि मतलब इन दो क्रियाओं को ध्यान तो दिया लेकिन उतना महत्व नहीं दिया। ठीक है, ध्यान दिया लेकिन उतना महत्व नहीं दिया, लेकिन मुख्यतः जो इनकी अवस्थाएं हैं ना जैसे कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इनके लिए ज़्यादा ये सिद्धांत जाने जाते हैं। मतलब इनके सिद्धांत में ये भी बात है कि संरचना पर भी इन्होंने ध्यान दिया है, प्रक्रम पर भी ध्यान दिया है। संरचना इत्यादि की बात करें तो उसमें कि मतलब किस प्रकार की संरचना का निर्माण हुआ है, जैसे कि वलन की वलित है या फिर भ्रंशन क्रिया या सरंधता जो भी है उस प्रकार से, प्रक्रम का देखेंगे आप तो मतलब निर्माणकारी बल है या फिर विनाशकारी बल उसके माध्यम से, तो ये सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया है। लेकिन एक होता है ना कि किसी के सिद्धांत में किसी एक मतलब पर्टिकुलर चीज़ पर ज़्यादा इम्फेसिस मतलब कि ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो इनका जो सिद्धांत डेविस साहब का इन्होंने अवस्थाओं पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया है। ठीक है, अवस्थाओं पर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही जोर दिया है, तो हम समझेंगे कि अवस्थाओं पर इन्होंने जोड़ दिया था, अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की बातों को इन्होंने क्या क्या किया है उन सभी चीज़ों को समझेंगे। अपरदन की प्रक्रिया को मानव जीवन के चक्र से तुलना करते हुए इन्होंने तीन अवस्थाओं में विभाजित किया। इन्होंने कहा कि अपरदन की जो प्रक्रिया है जिस प्रकार से एक मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार के आश्रम आते हैं, विभिन्न प्रकार की अवस्थाएँ आती हैं,
ठीक उसी प्रकार से जो एक अस्थलाकृति होती है, उस अस्थलाकृति में अपरदन की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं आती हैं, ठीक है। तो उन विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से उस अस्थलाकृति विशेष को गुजरना पड़ता है। अब वो कौन कौन से विभिन्न अस्थलाकृति का अवस्थाएं हैं, मतलब कि अपरदन की अवस्थाएं। युवावस्था, जो सबसे पहले ये आपकी अवस्था वो कौन सी, युवावस्था, यंग एज है। सबसे पहले ध्यान देखेंगे तो इस अवस्था में सबसे ज़्यादा मतलब ढाल इत्यादि होती है, ऊंचाई बहुत होती है, उच्चावच अधिक होते हैं, हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। फिर प्रौढ़ावस्था की बात करें तो धीरे धीरे चीज़ें में कमी आती हैं, ठीक है। यहाँ पे अडल्ट एज की बात करें तो आपको ऊंचाई उच्चावच इत्यादि में धीरे धीरे कमी आएंगी, तो विषमता इत्यादि धीरे धीरे कम होंगी। अब फिर बात करेंगे वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था उसी का द्योतक है, समझिए अब कि अपरदन का चक्र समाप्त होने वाला है, मतलब कि अब अपरदन इत्यादि हो गया है मजे का, और जो आपका संप्राय मैदान है उसकी संरचना हमें दिखाई देने लगी है। हाँ, बीच बीच में कहीं ना कहीं मोनाड नॉक है, मतलब कि जहाँ जहाँ चट्टाने बहुत कठोर हैं तो वो ऐसे उठे रह गए स्तंभ के भांति, नहीं तो हर जगह हम बाकी चीज़ों में देखते हैं कि अब लगभग लगभग आपकी अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था आ गई है। तो इस प्रकार से जो डेविस साहब हैं ये तीन भागों में, तीन अवस्थाओं में अपरदन की प्रक्रिया को बांटते हैं, मानव जीवन के जीवन चक्र से तुलना करते हुए। तो इन तीनों प्रक्रियाएँ क्या हैं तीनों, हम इसको देखेंगे अपने अगले वीडियो में और इसे बेहतर तरीके से समझेंगे, और अगले ही वीडियो में हम डेविस का जो अपरदन का सिद्धांत है इसे कंप्लीट करेंगे। आलोचना वाला पोर्शन भी रह जाएगा तो साथ हम उसको भी साथ में कंप्लीट कर लें, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम उसे देख लेंगे। और आजकल मैं मतलब मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं दो वीडियो को एक ही में कंबाइंड करके दूँ, और दो वीडियो प्रोवाइड करने से अच्छा है कि आपको एक ही में प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए अभी यही वीडियो मैं चाहता दो दो वीडियो में बना सकता था, तो उसमें फिर क्या करना पड़ता है कि पहला वीडियो बनाने के बाद जब दूसरा वीडियो बनाते हैं तो उसमें फिर से भूमिका इत्यादि बनानी पड़ती है ताकि पिछले वीडियो से आप कनेक्ट हो पाएँ, तो उसमें फिर थोड़ा समय एक्स्ट्रा चला जाता है। तो इससे बचने के लिए अब ये प्रयोग हो रहा है कि अब लगातार मतलब दो वीडियो को एक में कंबाइंड कर दिया जाए, ठीक है। आधे घंटे का वीडियो कम कम से आपको प्रोवाइड किया जाए, कोशिश मेरी यही रहती है, और चीज़ों को मैं बहुत तेज़ी से आगे लेकर चलने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा इसमें धैर्य बनाए रखें, ठीक है। फिर तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमने आज का वीडियो देखा, हमने डेविस के सामान्य अपरदन चक्र पर सिद्धांत पर चर्चा की, और आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस चैनल के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसके बारे में मैं कहने की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए, आप थोड़ा से आप ध्यान दें इसको, ठीक है, क्योंकि यही मेरे लिए है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, और कोई अलग सी चीज़ें मेरे लिए कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार का मुझे कहीं से भी कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं बता दूँ आपको। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर नमस्कार।